बुधवार को अयोध्या पहुंचे सूबे के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण सक्सेना ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्कार कृत संकल्प है, इसलिए फैसला किया है कि कहीं भी सड़क चौड़ीकरण में पेड़ नहीं काटे जाएंगे बल्कि उनका ट्रांसलोकेशन होगा। उन्होंने बताया कि यह निर्देश दिए गए हैं कि पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें कहीं और लगाया जाए। इसके लिए वर्तमान में कई नई तकनीकें हैं जिनसे ट्रांसलोकेशन किया जा सकता है। राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जहां तक उन्हें मालूम है कि वन विभाग ने जो पेड़ लगाए हैं उनमें से 90% पेड़ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि अपने निरीक्षण में भी उन्होंने पेड़ लगे पाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में गर्मी का सबसे बड़ा कारण पेड़ों का कम होना है। लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है तो पेड़ लगाने ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी करना चाहिए। उन्होंने बार बार यह कहा है कि पेड़ लगाओ ताकि भविष्य में भयावह स्थिति ना देखनी पड़े। उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो तापमान में कमी आएगी। राज्य मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ पौधारोपण को लेकर समीक्षा बैठक भी की। यहां उनका अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और भाजपा की ओर से स्वागत भी किया गया। सुझाव यह है कि पेड़ लगाओ और पेड़ को सिर्फ लगाओ नहीं, पेड़ को सुरक्षित लगाओ और उसके पानी का परवरिश का इंतजाम हो। पेड़ की परवरिश ऐसे करी जाए जैसे बच्चे की करी जाती है और पेड़ को कम से कम 2 साल या 3 साल तक उसका पूरा ख्याल रखा जाए, फिर तो पेड़ अपने आप बढ़ लेगा। पर यहाँ पे जो है लगातार मैंने मालूम किया लगभग 90% पेड़ जो वन विभाग ने लगाए हैं वो जीवित हैं, जो मुझे सूचना दी गई 90% वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़।